बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। 2 मिनट 45 सेकंड के इस ट्रेलर में भरपूर एक्शन, रोमांस और सस्पेंस देखने के बाद फैंस के मन में फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट बना हुआ है। लेकिन इसी बीच फैंस ने ट्रेलर में कुछ ऐसा नोटिस किया है जिसे वो समीर वानखेड़े से जोड़ रहे हैं। दरअसल ट्रेलर में एक डायलॉग है जिसमें शाहरुख खान कहते हैं, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ये डायलॉग सुन फैंस मुंबई NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक्स जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से ऐड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि समीर वानखेड़े वही शख्स है जिसे शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया था। इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। भला ऐसा हो भी क्यों ना। जी हाँ, किंग खान की फिल्म जवान को लेकर फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अब फाइनली इंडिया में भी जवान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शाहरुख खान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है। किंग खान ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो लोगों के कमेंट पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही वीडियो में जवान का ट्रेलर की झलक भी दिखाई गई है। वही किंग खान वीडियो में कहते हैं, बहुत बेकरार है सब जवान के लिए। इतना ही नहीं, इस फिल्म का ट्रेलर 31 अगस्त को रिलीज किया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से लोगों में फिल्म को लेकर क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत बेकरार है सब जवान से मिलने के लिए, तो बुक योर टिकट्स नाउ एज एडवांस बुकिंग्स हैव ओपन। इसके अलावा आपको बता दें कि शाहरुख खान फिल्म में 5 अलग अलग अवतार में नजर आने वाले हैं, जिसकी झलक ट्रेलर में दिखाई जा चुकी है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और विजय सेतुपति अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। तो क्या ट्रेलर देखने के बाद अब आपको वे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। वेल, बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, गॉसिप एंड बायोग्राफी के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सेले 44।